नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर भी मौजूद हैं। आपके पोस्ट से ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आपका पोस्ट, मैं जब सुबह सुबह उठी तो उसके बाद मैंने देखा कि आपने एक पोस्ट किया है फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें आपने बताया कि आपकी बेटियां कहीं घूमने गई हैं आगरा में जी, और उन्होंने ताज होटल में बुकिंग ली। पहले तो आपने कुछ बातें भी कही कि क्या इतने पैसे क्यों हो गए हैं कि ताज होटल में ठहर गई हो। फिर आपने ये भी जिक्र किया कि ताज होटल में कमरा 2100 रुपए मात्र में मिल रहा है। और आपकी पहली लाइन भी मुझे बार बार याद आती है कि देश के हालत को समझिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या ये वक्त सस्ते होटल्स को एंजॉय करने का है या ये वक्त गंभीर होने का है कि देश की हालत कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैंने सस्ते होटल की बात तो की नहीं है, मैंने 5-star होटल की बात की और 7-star होटल की बात की है। और क्यों अभी सस्ते हैं, इस ओर मैंने उस पोस्ट में कुछ इशारा किया था। तो जहां तक बात रही उस पोस्ट से आपने चर्चा छेड़ दी, मैं नहीं अपनी बेटियों को आगरा जाने की अनुमति दी थी। दोनों बेटियां मेरी दिल्ली में रहती हैं, आज उन्हें जाना था। कल रात को जब मैं घर लौटा तो मालूम हुआ कि दोनों ताज में ठहरेंगे। तो मैंने पूछा, ज्यादा पैसा हो गया है क्या इन लोगों के पास, तो इनके खर्चे कुछ कम कर दो। तो फिर ये पता चला कि नहीं, कमरे तो 2100 रुपए में ही, मतलब 2100 रुपए में ही मिले हैं। तो मैंने पूछा कैसे। हाँ ठीक है, सस्ते का दौर चल रहा है क्योंकि होटल इंडस्ट्री के पास, उनके सामने बहुत बड़ा संकट है इस कोरोना काल से ही कारण भी, और भी कई वजह हैं। तो मैंने कहा चलो 2100 में यदि ताज में कमरा मिल गया है तो कोई बात नहीं है। तो इसके बाद हमारे पोस्ट पर कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, 5-star होटल की बात शुरू हो गई। गरिमा, हर व्यक्ति की हसरत होती है कि ऊंचे सपने देखे, 5-star होटल में कभी रहने का मौका मिल जाए। सब लोग सोचते हैं, सोचना भी चाहिए, लेकिन मौका कब आता है। हसरत कभी मेरी भी थी, ठीक है आज मैं बड़े शहरों में जाता हूँ, 5-star होटल में ठहरता हूँ, इतनी मेहनत करी है, इतना कुछ किया है इसके बाद। लेकिन मैं हसरत की बात करूँ या फिर उन दिनों की बात करूँ, मैं एक छोटे से शहर से आया, पटना के पास ही है, और ये दौर 1980 का है जब मैंने बोर्ड की परीक्षा भी पास नहीं की थी। हम लोग किसी 5-star होटल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जब फतुहा में रहते थे तो मालूम होता था कि पटना में कोई एक होटल है मौर्या, जो सबसे बड़ा होटल है, तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता था, और तब ऐसा लगता नहीं था कि कभी वहां जा भी पाएंगे। लेकिन जब हम बोर्ड नहीं किए थे तभी हमारी कक्षा में हमारे साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी थे जिनके पिताजी सर्किल ऑफिसर थे, सीओ थे, ठीक ठाक पैसे थे उनके पास। उनका बेटा हम लोग के साथ पढ़ता था, पटना में ही उनका घर भी था। तो एक दफे उनके बेटे ने हमें साथ लेकर मौर्या होटल ले गए। मौर्या होटल में गया तो मैं तो चकरा ही गया, क्योंकि मैंने कई कहानियां सुनी थी। लोग कहते थे कि मौर्या होटल में हवाई चप्पल पहने लोगों को घुसने की इजाजत नहीं मिलती है, ये सारी कहानी जो सुनी और सुनाई जाती है उस कि 5-star होटल में कोई आम आदमी नहीं घुस सकता है। खैर, हम अपने सहपाठी के साथ चले गए थे जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। वे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो जो सबसे पहला ऑर्डर आया, जिसे आज हम लोग सूप कहते हैं, वो स्वीट कॉर्न सूप था। गरिमा, सच कहें मुझे लगा कि ये मार है। अब मार का नाम आपने हमारे कितने व्यूअर्स ने नहीं सुना होगा, आपने भी हंस दिया, क्योंकि अब आजकल के दिनों में शायद आप भी, आप कुकर में चावल बनाती होंगी, पकाती होंगी, तो मार नहीं निकलता है कुकर में। लेकिन हम अपनी माँ को याद करते हैं या पुराने दिनों की याद करते हैं, तो जब घरों में तसला में या अल्यूमिनियम के बर्तन में या और किसी बर्तन में जब चावल पकता था तो मार निकलता था। तो हमें लगा कि ये स्वीट कॉर्न सूप जो है ये मार है, और इसमें कुछ कॉर्न डाल दिए गए हैं और ये मार पिला रहा है। तो बहुत लंबे अरसे बाद यह बात समझ में आई जब मैंने देश दुनिया दिखनी शुरू की कि नहीं, ये स्वीट कॉर्न सूप कहा जाता है और ये बड़े लोग पीते हैं अपने लंच या डिनर के पहले।
तो देखिए ये हसरत जो आम आदमी जो आम भारतीय है उनकी हसरत होती है। अभी अभी का एक वाक्य बताएं, आपको पता है कि मैं माता वैष्णो देवी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। दिसंबर महीने में मैं गया था, लॉकडाउन में लंबी अवधि के कारण नहीं जा पाया था। जब दर्शन शुरू हुए तो मेरे साथ कई मित्र थे। वापसी में हम लोग जम्मू में रुके, जम्मू में फाइव स्टार होटल है, होटल रमादा, वहाँ हम लोगों ने बुकिंग करा रखी थी, 5-6 कमरे थे, हम लोग सब लोग कई लोग साथ थे। तो हमारे साथ जाने वाले लोगों में एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो पहली बार फाइव स्टार होटल में रुक रहे थे। तो हम लोग शाम को पहुंचे थे, सुबह नहाने का वक्त आया, वे दौरे दौरे मेरे रूम में आए कि यहाँ तो बाल्टी ही नहीं है, मतलब फाइव स्टार होटल के बाथरूम में बाल्टी ही नहीं है। तो मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि भाई ऐसा है कि बड़े होटलों में बाल्टियां आपको नहाने के लिए बकेट कहते हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ ओवरहेड शावर लगे होते हैं, हैंड शावर लगे होते हैं, और इतने महंगे शावर होते हैं, इतने तरीके के शावर होते हैं कि उनसे आप बॉडी मसाज कर सकते हैं, उनसे आप हेड मसाज कर सकते हैं, उनसे आप अपने हाथों का मसाज कर सकते हैं। तो उन्हें बाद में, तो देखिए ये हसरत होती है, हसरत होती है, लेकिन महंगाई इतनी होती है कि लोग रह नहीं पाते हैं। बहरहाल कई लोगों ने कह दिया कि मैं कीमत कम बता रहा हूं, लेकिन मुझे कीमत, मेरी बेटियां गई ताज में रुकी तो कीमत कम बताने की वजह क्या हो सकती है। मैं ही गया था रमाडा में, तो यदि हम दूसरे दिनों में होती या दूसरे महीनों में होती या देश की हालत खराब नहीं होती, चाहे वो COVID-19 की वजह से हुई है, टूरिस्ट कम नहीं होते, तो वो कमरे 12,000-15,000 रुपए में मिलते, लेकिन 3,000 रुपए में मिल रहे थे। 3,000 रुपए में रुके, ठीक है, मैं उससे भी अधिक जब कॉस्ट रहा है तो मैं रुका हूं। तो देखिए अब हम इस बात पर आ रहे हैं कि देखिए ये वक्त ऐसा है कि आप हसरत मिटा सकते हैं। यदि आपको इस बात का शौक है कि नहीं फाइव स्टार होटल में हम रात गुजारें, देखिए ये सब तो कल्पना वाली बातें हैं कि कुछ हवाई चप्पल पहना व्यक्ति नहीं जा सकता है। यदि आपके पास पैसे हैं, और आजकल बुकिंग तो ऑनलाइन होती है, देखिए यदि आप ऑफलाइन बुकिंग कराएंगे किसी भी फाइव स्टार होटल में या किसी भी होटल में आज के जमाने में, आप डायरेक्ट बुकिंग कराएंगे तो आपको हमेशा महंगा पड़ेगा। मैं कटरा की बात बताता हूँ, कटरा में लेमन ट्री होटल है, पहले वो होटल रानी माँ हुआ करता था, कटरा का दूसरा बड़ा होटल होगा। तो मैं उसका पहला कस्टमर था जब वो रानी माँ खुला था, तब वो मुझसे 2,000 रुपए लेते थे, आज से 7-8 साल पहले की बात है। बाद में वो लेमन ट्री हो गया, अब लेमन ट्री एक कॉर्पोरेट होटल हो गया। तो उनके जो GM है वे मुझे जानते हैं, बहुत व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अब जब मैं जाता हूं तो जब बात होती है कि आप कितने में कमरे देंगे, तो कहते हैं ज्ञानेश्वर जी ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि जो मेरे पास अधिकार है डायरेक्ट सेल का वो मैं आपको नहीं दे सकता हूं। लेकिन यहां देखिएगा, बड़े जब बड़े होटलों की आप बुकिंग कराते हैं तो ये जो ओयो है ना, ये तो फर्जी टाइप का होटल देता है, मतलब इसमें आप फंस जाएंगे। और भी कई साइट्स हैं जिनसे आप बुकिंग करा सकते हैं, और ये सच बात है कि इस वक्त आप बड़े होटल्स में, फाइव स्टार और सेवन स्टार होटल में उतनी कीमत में रह सकते हैं जितनी कीमत में आपको पटना के गंदे होटल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो अच्छे होटल हैं उनकी कीमत पटना में अधिक है, और इतनी अधिक है जो देश के बड़े होटलों से भी ज्यादा है। तो जब हमने सुबह पोस्ट किया, लोगों ने उस पर बहस छेड़ दी, तो मैंने अपने एक सहयोगी को कहा कि एक 9 मार्च की तारीख पकड़ लीजिए, मार्च नहीं, और देखिए कि देश के बड़े शहरों के जो फाइव स्टार होटल्स हैं वहां कमरे कितने में मिल रहे हैं। तो मुझे जो चार्ट उपलब्ध कराया गया है, अब देखिए मुंबई का क्या हाल है, ITC मराठा 10,000-12,000-15,000 से कम में कभी कमरे नहीं मिलते थे, वो अभी 3,675 रुपए में मिल रहे हैं विथ ब्रेकफास्ट। अभी देखिए ब्रेकफास्ट की कहानी आपको हम बारे में बताएंगे। ताज लैंड्स एंड 5,000 रुपए मिल रहे, मात्र 5,000 रुपए में। रेडिसन ब्लू 2,521 रुपए में गरिमा, तो शौक तो मिटा सकते हैं ना। ताज सांता क्रूज 4050 में 4,050 रुपए में। ट्राइडेंट नरीमन पॉइंट मुंबई का एक बड़ा होटल सिर्फ 5,750 रुपए में। लीला मुंबई सोच नहीं सकते हैं 4,500 रुपए में। ओबेराई
कभी आपको 20,000 25,000 से कम में नहीं मिलता, 8,067 रुपए में, 8,067। अब दिल्ली का हाल देखिए, रोजियट होटल, रोजियट हाउस कहते हैं उसको, जब आप नई दिल्ली में टर्मिनल 3 पर उतरते हैं तो उसी एरो सिटी में है, मात्र 3,932 रुपए में। ताज पैलेस सपना होता है लोगों का, 4,703 रुपए में। आम तौर पर ये कमरे 15,000-20,000 से कम में नहीं मिलते हैं। नोवोटेल 2,720 रुपए में, क्राउन प्लाजा 2,549 रुपए में, रेडिसन ब्लू दिल्ली की बात कर रहा हूं 2,783 रुपए में, सैंग्रीला 4,208 रुपए में, विवांता न्यू दिल्ली 3,600 रुपए में, लीला दिल्ली 3,506 रुपए में। आप सोच ही नहीं सकते हैं कि 3,500 रुपए में लीला मिलेगा। आईटीसी मौर्य 4,841 रुपए में। देखिए अब आईटीसी मौर्य सेरोटन की जब बात होती है तो ये होटल वही है जहां अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं तो ठहराए जाते हैं, बिल गेट्स भी यहीं ठहरते हैं, और इसी होटल में बुखारा भी है। बुखारा रेस्तरा जो है देश का सबसे नामी रेस्तरा है, और जो बुखारा दाल आप सुनते हैं पूरे देश में, काली दाल जिसे बुखारा दाल कहते हैं, इसकी शुरुआत ये आईटीसी मौर्य सेरोटन से हुई। और आपको बताया कि यदि आप बुखारा कभी जाएं तो आपको देश के जो बड़े एलिट क्लास के लोग हैं वो तो वहां मिलेंगे ही, लेकिन बुखारा में आज भी एक परंपरा है। आईटीसी मौर्य में जो बुखारा है वहां आज भी जब आपको खाना परोसा जाता है, आपके लंच या डिनर आता है, तो उसके साथ आपको खाने के लिए चम्मच छुरी कांटा नहीं मिलता है, जो छोटे छोटे होटलों में भी फैशन बन गया है। क्योंकि आईटीसी मौर्य का बुखारा यह महसूस करता है कि बुखारा का भोजन इतना ज्यादा स्वादिष्ट है कि आप उसे अपनी अंगुलियों से खाएं और अंगुलियों से चाटें उसके स्वाद को। आप मान देंगे तो जरूर मिलेगा चम्मच कांटा छुरी, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। कोलकाता लेमन ट्री 3,377 रुपए में, आईटीसी रॉयल बंगाल 5,880 रुपए में, विवांता कोलकाता 3,500 रुपए में, ताज बंगाल 5,400 रुपए में, मैरियट 6,500 रुपए में। सस्ता ही है मैरियट, कहां इतने में। बेंगलोर में देखिए पार्क होटल 2,130 रुपए में, क्या सोच सकते हैं। पटना की होटल गलियों में जो गंदे से होटल हैं वहां आप जाएंगे तो कहेगा 2,000 रुपए चाहिए। आप एग्जीबिशन रोड की नुक्कड़ पर जाइए होटल में तो कहेंगे 2,000 रुपए चाहिए। और बेंगलोर में आईटीसी गार्डन या 4,400 रुपए में, कंट्री यार्ड बाई मैगर 3,200 रुपए में, विवांता बेंगलोर 3,000 रुपए में, ताज एमजी रोड 4,250 रुपए में, लेमन ट्री 2,502 रुपए में। मेरी बड़ी बेटी बेंगलोर में पढ़ती थी, जब मैं जाता था तो इन होटलों के बारे में सोच नहीं पाता था, मैं कोई और सुविधा अवेल कर लेता था या मैं चाहता था कोई मेरे लिए बुकिंग करा दे, क्योंकि तब ये कमरे जो थे ना 12,000-15,000-16,000 रुपए में मिलते थे। हाँ देखिए गोवा अभी महंगा है, लेकिन महंगा है फिर भी सस्ता है। देखिए होलीडे इन 6,500 रुपए में मिल रहा है, विवांता गोवा 5,200 रुपए में, ताज रिसोर्ट 12,000 रुपए 12,500 रुपए में, कंट्री इन 4,700 में, आईटीसी ग्रैंड गोवा 13,300 रुपए में। इन कमरों के बारे में इस रेट में आप कभी सोच ही नहीं सकते थे। जयपुर देखिए क्लार्क्स 3,172 रुपए में, रेडिसन जयपुर 3,196 रुपए में, ट्राइडन जयपुर 4,000 रुपए में, जयपुर मैरियट 3,320 रुपए में, मैरियट रमाडा 2,702 रुपए में, आगरा जिससे आज की चर्चा शुरू हुई, ताज होटल 9 मार्च को 2,400 रुपए में, आज मेरी बेटियां 2,100 में रुकी हैं, रेडिसन होटल 1,599 रुपए में, आईटीसी मुगल 2,646 रुपए में, और कितना सोचते हैं। कंट्री यार्ड बाई मैरियट आगरा 2,649 रुपए में, ट्राइडेंट आगरा 2,250 रुपए में। अब देखिए पटना की बात कर लेते हैं गरिमा, हमने आपको देश में मुंबई दिल्ली कोलकाता बेंगलोर गोवा जयपुर आगरा के जिन होटलों के नाम गिनाए, मैंने मैरियट का भी नाम गिनाया, मैंने आईटीसी का भी नाम गिनाया, मैंने सैंग्रीला का भी नाम गिनाया, लीला का भी गिनाया, ताज का गिनाया, विवांता का गिनाया, ट्राइडेंट का गिनाया, इनके मुकाबले कोई भी होटल पटना में नहीं।
कोई भी, मतलब यदि वो 16 आना है तो उनके मुकाबले 4 आना भी कोई होटल पटना में नहीं है। लेकिन पटना का हाल देख लीजिए, आपने पोस्ट में भी पटना के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो पटना में मौर्य होटल, आपका फिर मैं 1980 के दौर को जाता हूँ, जब मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार मौर्य होटल गया और जब मुझे सूप परोसा गया तो मुझे लगा कि ये तो मार पिला रहा है। तो मौर्य आज 6,186 रुपए मिल रहा है। अब सोचिए ताज होटल आगरा में 2,400 रुपए मिल रहा है, क्या प्रॉपर्टी है। रेडिसन होटल 1,599 रुपए मिल रहा है और होटल मौर्य 6,186 रुपए में। मैं 1980 के दौर से 1985 के बाद से तो मैंने कई बार देखा, अब तो लगातार देखता हूँ, प्रति हफ्ते किसी न किसी कारण चला ही जाता हूँ। मौर्य होटल में बहुत परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। और जिन होटलों की हमने चर्चा करी, कि चाहे आप गोवा के होटल की मैंने चर्चा करी, जयपुर की करी, दिल्ली की करी, ये होटल लगातार बदल रहे हो तो अपडेट करते हैं अपने को, चाहे उनके बाथरूम अपडेट हो रहे हो, चाहे उनके बेड्स अपडेट हो रहे हो, और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मेनू तो बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। मैरियट तो इस मामले में किंग है। और देखिए जो हमने आपको रेट बताए वो दो लोगों के हैं, एक कमरा, वन नाइट, दो एडल्ट, और मैक्सिमम में ब्रेकफास्ट शामिल है। अब सोचिए देखिए ब्रेकफास्ट जैसे शामिल होता है, यदि आप किसी फाइव स्टार होटल में जाइए और उनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का जायका लीजिए, लुत्फ उठाइए, कम से कम 100-150 डिशेज तो होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सुबह ही इतना खा लेते हैं कि दिन में खाने की जरूरत ही ना हो। अब सोचिए होटल इंडस्ट्री की क्या हाल हो गई। हाँ खैर हम पटना की बात करें तो मौर्य 6,186 रुपए में, लेमन ट्री 5,668 रुपए में, पाटलिपुत्र एक्जोटिका 3,730 रुपए में, होटल पाटलिपुत्र देखिए अनीसा वार्ड में 3,740 रुपए में, चाणक्य 3,381 रुपए में, जिंगर पटना 2,701 रुपए में, पनास 3,760 रुपए में। अब आप पूछेंगे कि जब मुंबई के, दिल्ली के, कोलकाता के, गोवा के ये होटल्स इतने सस्ते मिल रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, यहाँ सुविधाएं इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्विमिंग पूल हैं, इतने अच्छे रेस्तरा हैं, इतने अच्छे बार हैं, इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस, हाँ इतने अच्छे हेल्थ, नहीं देखिए मैं उस पर आता हूँ, इतने अच्छे हेल्थ स्पा हैं, इतने अच्छा, इतना अच्छा जिम है, तो फिर पटना के होटल क्यों महंगे हैं। देखिए पटना के होटल इसलिए महंगे हैं कि पटना में होटल बना ही था। मैंने जिन शहरों के नाम गिनाए उनमें से कुछ होटलों के नाम ही गिनाए हैं फाइव स्टार, वहां ढेर सारे होटल हैं। पटना में ये गिने चुने होटल हैं और इनकी मनमानी है। पिछले 15 साल में जिसे कहा जाता है कि जंगल राज के बाद, इसके बाद भी लेमन ट्री छोड़ दीजिए और पनास छोड़ दीजिए, वो भी स्थानीय स्तर पर ही बड़े होटल हैं, जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से नहीं है या दूसरे शहरों के जो होटल हैं। तो पटना को हमने डेवलप कहां होने दिया, पटना में हमने कंपटीशन कहां पैदा होने दिया, पटना में लोग मजबूरी में इन होटलों में ठहरते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, और इन्हें लगता है कि हम तो जो हैं, हम तो अपने शहर के बादशाह हैं, है? तो हम तो जंगल के शेर हम ही हैं। तो यहां महंगाई इस वजह से है। पटना की जब हम चर्चा करते हैं और देश के दूसरे होटलों में जाकर टिकते हैं तो लगता है पटना कहां कब तक पिछड़ा रहेगा। देखिए आप यदि हम इसी प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं गरिमा, पटना में आप डोसा खाने कहां जाती हैं? मौर्या लोग बसंत विहार, बसंत विहार जाते हैं ना, राहुल गांधी भी आए थे तो वहीं खाना खाने, डोसा खाने गए थे जब वे कोर्ट पे हाजिरी लगाने आए थे। नीतीश कुमार भी जब खुश होते हैं तो डोसा खाने वहीं जाते हैं। लेकिन गरिमा एक बात पर आपने नोटिस नहीं की होगी, जब आप बसंत विहार जाने को मौर्या लोक में सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कैसी बदबू आती है, कैसी सरांग। बसंत विहार के ठीक बगल में एक पब्लिक टॉयलेट है पहले तल्ले पर ही, और वही पटना नगर निगम का ऑफिस है, उसी मौर्य लोक के कॉम्प्लेक्स के भीतर भी एक उनकी यूनिट है। पटना की सफाई की हम बात करते हैं और पटना में डोसा मतलब का मतलब होता है बसंत विहार, तो आप एक मौर्य लोक की बिल्डिंग को सलामत नहीं कर सकते हैं। मैं तो अब जाता नहीं, लेकिन मैं 2-3 महीने पहले कभी गया था, मैं डोसा खाकर निकला और उस रास्ते से चला गया जिधर पब्लिक टॉयलेट था,
लगा सारा डोसा बाहर चला है। तो आप पटना के माहौल को आप बदलने देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इतने सस्ते होटल जब मिल रहे हैं तो कैसे हम पटना, मैंने कहा कि पटना की होटल गलियों में चले जाइए, आपको इस रेट में होटल नहीं मिलेंगे। तो देखिए, होटल की बुकिंग कराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने कहा ना कि ओयो ये तो अब खत्म हो गया, और भी कई जो हैं बुकिंग साइट्स हैं। देखिए, हमेशा आप ऑनलाइन बुकिंग कराइए जो भरोसेमंद साइट्स हैं। जब आप पेमेंट एडवांस कर देते हैं तो होटल वाला यह समझता है कि कम से कम ये बुकिंग इस सस्ते दौर में ये तो कंफर्म है, तो आपको बुकिंग और सस्ती मिलती है, ठीक है ना। लेकिन आप ये करते हैं कि पेमेंट ऑन अराइवल, तो होटल वाला समझता है कि पता नहीं ये आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उन्हें कुछ दिया तो है नहीं। मैं आपको एक दिल्ली का वाकया बताता हूं। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली था। दिन में मेरे एक मित्र ने फोन किया कि ज्ञानेश्वर जी कहाँ है। मैंने कहा दिल्ली, वे बाहर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी तो दिल्ली में हैं। तो मैंने कहा, मैंने पूछा कहाँ हैं आप, तो बोले ललित में है, दिल्ली का बड़ा होटल है, बड़ा होटल है। तो मेरे साथ मेरी बेटी थी, तो मैंने कहा कि लगता है अंकल के पास कोविड में भी पैसे कम नहीं हुए हैं, पिछले 5-6 दिनों से ललित में ही हैं। तो आजकल की बेटियां, आप लोग ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा चीजों को कीमतों को ज्यादा मोल जोल कर लेते हैं। तो मेरी बेटी ने जल्दी से मेक माई ट्रिप लगता है खोल लिया होगा, या कोई भी वो खोल लिया होगा। बोले नहीं पापा, आप फालतू की बात करें, 4,000 रुपए में तो क्या होता है, ललित मिल रहा है। मैंने कहा 4,000 रुपए में ललित मिल रहा है? ललित होटल के कमरे की कल्पना 15,000-16,000 रुपए से कम में कर ही नहीं सकते थे। खैर, मैं लंच को गया उनके पास, तो खैर जिस कमरे में वो रुके थे वो प्रीमियर सिटी ऊपर स्यूट था, तो स्यूट तो महंगा होता है, ठीक है, तो स्यूट में रुके थे। मैं उनके साथ लंच किया, फिर मुझे वो छोड़ने नीचे टकराए। वे उस होटल के पुराने गेस्ट रहे, लगातार गेस्ट रहे। तो होटल के जीएम उनको मिल गए, उन्होंने मेरी पहचान करा दी। फिर ये हुआ कि चलो एक कॉफी हम लोग कॉफी शॉप में पी लेते हैं, तो होटल इंडस्ट्री पर चर्चा हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बहुत बुरे दौर में फंसे हैं कोविड-19 के बाद। मैंने कहा ऐसा क्या हो? उन्होंने कहा कोविड-19 के दौरान तो आपने जाना ही कितना दिन लॉकडाउन रहा, होटलें बंद रही। होटलों के बंद होने के बाद भी जो बड़े होटल्स हैं उनकी मजबूरी या जरूरत ये होती है कि वो अपने हाउसकीपिंग को सलामत रखें। नहीं सलामत रखेंगे, एयर कंडीशन बंद कर देंगे तो होटल के कमरे से स्मेल आने लगेगा। तो खैर, लॉकडाउन खत्म हुआ, उन्होंने कहा बुकिंग करीब करीब समाप्त हो गई है, इसलिए हम इतने सस्ते में होटल दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि भविष्य भी जो है बड़ा खतरनाक दिख रहा है। वे बता रहे थे कि देखिए, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर होटल हैं, अब चाहे आप शिमला की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए, वे होटल्स 1-2 साल के बाद अपने पिक पर आ सकते हैं, क्योंकि उस होटल को डिजाइन ही इस रूप में किया गया है कि वो जानते कि मेरा सीजन क्या है, मेरा ऑफ सीजन क्या है। लेकिन जो बिजनेस टाउन्स हैं या पॉलिटिकल टाउन्स हैं या पावर वाले टाउन हैं दिल्ली, तो वहां के होटलों को ज्यादा संकट है। उनका कहना था कि देखिए, हमें जो फायदा मिलता है या लाभ होता है वो अचानक आ गए, यदि मैं चला गया अचानक, या कोई मान लीजिए मैरिड कपल चले गए हनीमून मनाने, उनसे मेरा कोई विशेष फायदा नहीं होता। हालांकि वो महंगा कमरा खरीदते हैं। जो मेरी बुकिंग है वो देखिए कॉरपोरेट से चलती है। तो उन्होंने बताया कि देखिए हुआ क्या, संकट ये हुआ है कि कोविड-19 के पहले जूम आ गया था, लेकिन जूम से लोग फ्रेंडली नहीं थे जी। लेकिन कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम का जब कल्चर चला तो लोग सभी लोग जूम फ्रेंडली हो गए। अब इसका परिणाम क्या हुआ होटल इंडस्ट्री पर? पहले क्या होता था कि जब होटल जब फाइनेंशियल शुरू होता था तो ये जितने कॉर्पोरेट हाउस हैं वो होटलों में बुकिंग कर लिया करते थे कि साल के 200 कमरे, जिस तरीके से मैकमाइटी गोई गोई यात्रा करते हैं उसी तरीके से बड़ी कंपनियां वो होटल्स में रूम्स परचेज कर लेते थे कि साल के 500 नाइट्स, साल के 1,000 नाइट्स, ठीक है, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से। अब उनका कहना था कि देखिए ये फरवरी, जब हमारी मुलाकात हुई थी तो महीना फरवरी था, अब कोई सुगबुगाहट ही नहीं हो रही है कॉर्पोरेट से। उन्हें लग रहा है कि जब हम
जूम पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो अन्य टूल्स हैं उनके माध्यम से मीटिंग कर सकते हैं, तो फिर अपने एग्जीक्यूटिव को या अपने जो उनके परे अधिकारी हैं उन्हें ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एयर टिकट्स या टैक्सी एक्सपेंसेस, बड़े होटल्स के एक्सपेंसेस देने की जरूरत क्या है। तो एक सेक्टर जो सबसे अधिक पे करता था और हमें भी पता था कि हमने 500 कमरे इन्हें बेच दिए इस रेट में, तो इतना पैसा तो आना ही, उसी हिसाब से हम अपना एक्सपेंशन प्लान तय करते थे। तो ये इतना बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है, इस संकट से कैसे निपटे। तो खैर ये तो देश की बात है जी। हमारी आपकी किस्मत पटना है बहरहाल, तो हमारी आपकी किस्मत में तो यही लिखा है कि पटना में नए होटल बनेंगे नहीं, जो पटना के पुराने होटल हैं चाहे जैसे हों, अच्छे हों बुरे हों, वो मौर्य, मैं पटना के मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईटीसी मौर्य शेरटन की बात कर रहा हूं या फिर ताज की बात कर रहा हूं, उनसे भी अधिक कीमत हमसे लेते रहेंगे और हम देते रहेंगे, क्योंकि पटना का कोई डेवलपमेंट प्लान तो है नहीं। तो ये हमारी आपकी किस्मत है, हम रोते रहें, लेकिन हाँ हमारे व्यूअर्स जिन्हें यह हसरत है, तमन्ना है, कभी सोचते हैं कि हाँ फाइव स्टार होटल में जाकर टिके कभी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी नई नई दुल्हनिया के साथ, तो उनके लिए मौका है कि वो जाकर अभी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पटना के सी ग्रेड के होटलों की जो कीमत है उसी कीमत में अभी देश के बड़े शहरों के फाइव स्टार होटल्स भी मिल रहे हैं करीबन जी। तो बिल्कुल, अगर आपकी भी हसरत है कि आप ताज और ओबेरॉय में जाकर रुकें, बड़े बड़े होटलों में रहकर अपनी हसरत पूरी करें, तो ये मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। हालांकि होटल इंडस्ट्री को इन दिनों काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है, जैसा कि आपने चर्चा में सुना किस तरह से पूरा मार्केट डाउन पड़ा हुआ है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।